केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार दोनों स्वच्छता मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या स्वच्छता का स्तर मलिन बस्तियों में मानक के अनुरूप है? यह जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने फरेंदा स्थित कंजर बस्ती का जायजा लिया और वहां पर स्थानीय लोगों से बात की। बस्ती में गंदगी का अंबार दिखा, हैंडपंप के पास नाली के पानी का निकास न होने से कीचड़, कुछ झोपड़ियाँ पानी में डूबी हुई मिली। कीचड़ और गंदगी से होने वाली बीमारियां भी हैं इस बस्ती में। आखिर सरकारी योजनाएं इन मलिन बस्तियों तक क्यों नहीं पहुंचती? इनको स्वच्छ रहने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए? सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। क्या समस्या आपकी? हमारा मड़ई भी गिर गया तो बहुत परेशानी में हम झेल रहे हैं। ये खाना वाना बनाने में भी दिक्कत है? ये मड़ई में पानी है। हाँ, ये तो बड़ी हालत दयनीय है। ये इसमें लोग रहते हैं ना? एक दो परिवार है, बेचारे शादी शुदा है। अच्छा। तो छोटा मड़ई गुजारा कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा आपको आवास नहीं मिला है? सरकार द्वारा बहुत पहले ही जब प्रधानमंत्री द्वारा दो तीन आवास मिला है और बाकी परिवार ऐसे ही है। खाली दो तीन परिवारों को मिला है? तो उसकी शिकायत और आपने कहीं कंप्लेन किसी को किया? या कई चक्कर मैंने कंप्लेन किया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, कहा कि हो जाएगा। और हाथ किसका टूटा था? कौन सा बच्चा है? बच्चा दिखा, बच्चा मियां, बच्चा बोला पूरा खच्चर सर जैसे टेढ़ा हो गया है पूरा हाथ ही। अच्छा अच्छा अच्छा। खाना बनाते हैं सर, कभी खाना भी नहीं बनता है हम लोग का। पानी नहीं, नल में भी पानी है। सर ये देखिए, ये बंबा है जो सर नल के किनारे है, और ये घर सर उसके वजह से ये बंबे की हालत, और इसमें सर बहुत पानी निकासी का साधन नहीं है, नहीं निकलेगा सर। उन्होंने कोई निकलने वाला कोई रास्ते ही नहीं बनाया है। क्या आपको क्या परेशानी मैडम? यही परेशानी है साहब, पानी में बच्चे लोग कभी खाना बनाते हैं, कभी पानी जब हो जाता है, पानी में घर में पानी आ जाता है तो हम लोग बना नहीं पाते हैं, बच्चे लोग को भूखा सुलाना पड़ता है हम लोग को। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें मिलकर सफाई में करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार। मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं इस समय मरिंदा क्षेत्र के कंजर बस्ती में हूँ। कंजर बस्तियों की हालत आप देख लीजिए, इंसान है निवास में ही पानी घुसा हुआ है, और यहाँ एक बच्चे के फिसल जाने से उसकी जो है हाथ भी टूट गई है। दिन लोग बीमारियों से ग्रसित हो हैं, और साथ ही साथ इसकी शिकायत उन्होंने अपने स्तर से की भी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आइए जानते हैं कंजर बस्तियों से क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? नाम हमारा सुनील है सर। यहाँ का यही मामला है सर, जब पानी बरसता है सर यहाँ पूरा पानी पानी हो जाता है, रोड में भी पानी चलने लगता है सर, रोड के नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी रहता है, हम लोग कहाँ खाना बनाए और किस तरीके से अपना जीवन गुजारा करें सर। खटिया के ऊपर रहते हैं सर, जब चप्पल नीचे उतारते हैं सर तो उसमें भी पानी सर, हमारे नल में भी पानी रहता है, किस तरीके से हम पानी पिए वही पानी ढाल के पीते हैं सर, वही पानी फिर से चढ़ कर आ जाता है, उसी के द्वारा हम बीमार भी पड़ जाते हैं सर, और रस्ते में चलते वक्त एक लड़के का बुखार के मारे क्या, 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 क्या हो गया? बुखार के मारे मारे अभी देखकर दवा लेकर के आए, अभी ठीक ही। गंदगी से आपको बुखार हुआ? बुखार हुआ गंदगी का, हमारे अंदर घर में पानी भर गया, खटिया के ऊपर हम बैठ करके कहाँ खाना बनाए बताइए। पाचे से बाउंड्री तोड़े, कैसे हाथ टूटा जी तुम्हारा, कैसे हाथ टूटा? बाउंड्री तोड़े सर, तब हम लोग का पानी जी फिसल गए थे। हाँ बताइए। और मेरा नाम राकेश है, जो मैं हमेशा इस नगर क्षेत्र में मैं दौड़ता रहता हूं, और सभी से मेरे दरखास्त किया कि मेरे गांव में देखिए बच्चों को, बच्चा का भविष्य बेकार हो जा रहा है, यहां कोई मास्टर पढ़ाने वाला नहीं है, और बच्चों को भेजते भी हैं तो स्कूल दूर पड़ जाता है, उसके वजह से ना घर है ना उनका कपड़ा लत्ता जो है वो सब भीग गया है पूरा, और इसीलिए बुखार में कम से कम दसों बच्चों को कम से कम इतना तेज बुखार हो गया कि कम से कम उनका कितने बच्चों का बचना मुश्किल था, लेकिन वो किसी तरीके से हम लोगों ने सेक की अपना जड़ी बूटियां कर करके उसको बचाया किसी तरीके से, और हम काफी लोगों के साथ में गए, उनसे कहा भैया देखिए हमारे गांव में क्या क्या उपजती है, हमारे गांव में एकदम समझ लो कि हम गैर हालत में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग का कोई सुधार नहीं, सरकार से हम दरखास्त करते हैं कि हमारे गाँव में, और
ये सभी कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा बस, लेकिन होता नहीं है। आप चैनल के माध्यम से सरकार को क्या मांगे रखते हैं? मैं चैनल के माध्यम से सरकार से दरखास्त करता हूँ कि सरकार जो मेरी हर जगह आप सुनते हैं, लेकिन हमारे कबीले में जो कंजड़ बस्ती है उसमें हमारे कंजड़ बस्ती में ध्यान दें, और वहाँ रोड और घर का बहुत जरूरत है, ताकि वहाँ नाली तक नहीं है जो आसपास का पानी हमारे गांव में भर जाता है। एक नाली तक नहीं है। अपने खुद को तरस रहा है राजगंज जनपद का कंजड़ बस्ती, और यहाँ के स्थानीय जो है विधायक या कहें या शासन प्रशासन कहे से मांग कर रहा है कि कोई तो मेरा सुध ले। कैमरामैन शिवम के साथ अभिषेक अग्रहरी, महाराजगंज।